हेलो दोस्तों, लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशांत आज फिर एक नई वीडियो और एक नए लैपटॉप के साथ आपके सामने आया हूं। पिछली वीडियो में एक व्यूअर ने हमें कमेंट किया था कि एक एचपी का मॉडल आता है FQ5007DU, आप उसका रिव्यू करिए। तो आज हम उसी लैपटॉप को लेके आए हैं, उसका हम रिव्यू करेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। हम उस लैपटॉप का भी ऑपरेशन करेंगे, उसके सारे पार्ट्स आपको खोल के दिखाएंगे, कौन कौन से पार्ट्स कहां लगे हुए हैं और आपका क्या अपग्रेड कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहूंगा, जो दोस्त हमारे से नहीं जुड़े हैं, जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आगे भी हम नए नए लैपटॉप्स की अनबॉक्सिंग लेके आते रहेंगे और हम कोशिश करेंगे सभी लैपटॉप्स को आपको फिजिकली ओपन करके दिखाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम लेके आए हैं एचपी का लेटेस्ट लैपटॉप FQ5007TU। तो चलिए दोस्तों देखते हैं FQ5007TU में हमें कंपनी ने क्या क्या दिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग की, तो मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे नवंबर 2022 की है। ये इंडिया में आते आते टाइम लगता है, तो एक या दो महीने में आता है। ये जनवरी 2023 में इंडिया में आया है, हालांकि लॉन्च ही हो गया था नवंबर के अंदर, इंडिया के अंदर 23 में आया है। अब हम बात करेंगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन की। मॉडल है 15S FQ5007TU। बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की। इंटेल कोर i3 है, 12th जनरेशन प्रोसेसर है, 1215U इसमें आता है, 512GB SSD है, 8GB रैम लगी हुई है, ऑप्टिकल ड्राइव नहीं है, डीवीडी रीडर, विंडो 11 लेटेस्ट एडिशन के साथ ही लैपटॉप मिलता है आपको, और 15.6 फुल HD IPS LED डिस्प्ले है 2215 इंच के साथ, 3 सेल की बैटरी और 41 वॉट के साथ आपको ये लैपटॉप मिलता है। तो चलिए दोस्तों लैपटॉप ओपन करते हैं। तो चलिए दोस्तों लैपटॉप को ओपन करते हैं। लैपटॉप के बॉक्स में देखेंगे मैनुअल आता है, आपको प्रीमियम पावर कोर्ड मिलती है एचपी की तरफ से और एक 65 वॉट का आपको एडेप्टर मिलता है। ये देखिए, ये है एचपी का नया 12th जनरेशन i3 लैपटॉप। लैपटॉप की सील लगी हुई है, इसे ओपन करते हैं। वाह, i3 12th जनरेशन लैपटॉप, बिल्ड क्वालिटी देखेंगे, काफी अच्छी फिनिशिंग एचपी ने दी है। लेकिन अगर मैं बात कहूं कि जो पीछे i3 11th जनरेशन थे, 10th जनरेशन, ऑलमोस्ट बिल्ड क्वालिटी वैसी है, एचपी ने इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं दिया है। अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूंगा, फाइबर बॉडी के अंदर लैपटॉप है, नेचुरल सिल्वर कलर में आता है। बैक साइड देखेंगे हम, वेंट दे रखे हैं कूलिंग के लिए, रबड़ है, जो रबड़ भी कूलिंग के लिए और एंटी स्किड का काम करती है। लैपटॉप एक हाथ से खोलने की हम कोशिश करेंगे, सॉरी नहीं ओपन होगा, दो हाथ से हम ओपन करते हैं। ये हमारा लैपटॉप है। तो चलिए दोस्तों लैपटॉप को बूटअप करते हैं, इसका फर्स्ट बूटअप देखते हैं कितना समय लेगा। तो दोस्तों लैपटॉप हमारा बूटअप हो चुका है, फर्स्ट टाइम बूटअप होने में 5 से 7 मिनट लगते हैं, वो इस लैपटॉप ने लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लैपटॉप हमारा विंडोज 11 लेटेस्ट एडिशन के साथ आता है। अगर हम बात करेंगे कीबोर्ड की, तो 15.6 इंची का फुल साइज बैकलिट कीबोर्ड एचपी ने दिया है। i3 में एचपी बहुत कम बैकलिट कीबोर्ड देता है, इसके अंदर एचपी ने अपना जो 15.6 इंच के साथ दिया है वो बैकलिट कीबोर्ड है। अगर हम माउस पैड की बात करेंगे, माउस पैड बहुत बड़ा नहीं है, आप देखेंगे इसमें एचपी इमेज पैड विद मल्टी टच जैसे सपोर्ट के साथ आता है। स्टिकर देखेंगे इसमें, अगर आप लैपटॉप के अंदर सपोर्ट का स्टिकर है, साथ में ऑफिस 2021 होम एंड स्टूडेंट एडिशन जो लैपटॉप के साथ आजकल एचपी अपने हर लैपटॉप के साथ दे रहा है, इंटेल का स्टिकर जो इसके साथ दे रखा है। दोस्तों बात करते हैं लैपटॉप में एचपी ने क्या क्या पोर्ट्स दे रखे हैं।
शुरू करते हैं लैपटॉप के लेफ्ट साइड में सबसे पहला जो पोर्ट है वो है 1.4 HDMI आपके डिस्प्ले के लिए, आप टीवी या प्रोजेक्टर इसे कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा पोर्ट दे रखा है वो है टाइप सी, आप डाटा ट्रांसफर इसे ले सकते हैं, बहुत ज्यादा बहुत तेज डाटा ट्रांसफर होगा, आप इसे चार्जिंग नहीं कर सकते हैं लैपटॉप की। बात करेंगे अगले पोर्ट की, 3.5 mm का जैक इसमें दे रखा है आपके ऑडियो स्पीकर्स के लिए, साथ में माइक्रो SD कार्ड रीडर आपको इसमें दे रखा है। बात करते हैं लैपटॉप के राइट हैंड साइड के, हम देखेंगे सबसे पहला चार्जिंग के लिए जैक है और उसके बाद दो USB 3.2 पोर्ट्स दे रखे हैं आपके डाटा ट्रांसफर के लिए। तो दोस्तों बात करते हैं लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन की। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमेशा CPU की। CPU जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें 12th जनरेशन कोर i3 है, 1215U प्रोसेसर है, 12th जनरेशन है इसके अंदर, जिसकी बेस स्पीड है 1.2 GHz। देखिए मैं आपको बता दूं ये बेस स्पीड होती है, आजकल जितने भी प्रोसेसर आ रहे हैं सारे टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं, इसकी मैक्सिमम जो क्लॉक स्पीड है वो है 4.4 GHz की और ये बेस स्पीड है, जब आप वर्क करेंगे अपने आप 4.4 तक चला जाएगा। बात करते हैं आगे कोर की, 6 कोर का प्रोसेसर है, फिजिकल कोर इसमें 6 दे रखे हैं, अभी तक जो इंटेल अपने प्रोसेसर्स में देख रहा था दे रहा था आई थी में मोस्टली 2 कोर का प्रोसेसर आ रहा था, किसी किसी में हमारे 4 कोर भी आया था, इसमें 6 कोर का प्रोसेसर है, यानी मल्टीटास्किंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात करेंगे थ्रेड की, लॉजिकल प्रोसेसर वो है इसमें 8 और L3 कैशे है इसमें 10 MB, तो प्रोसेसर इसका फास्ट है, मल्टीटास्किंग है, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इंटेल ने 12th जनरेशन में काफी अपग्रेड किया है। बात करेंगे मेमोरी की, रैम 8 GB इसमें रैम है, आप देखेंगे स्पीड 3200 MHz की इसमें स्पीड दे रखी है, 2 स्लॉट्स है, 1 स्लॉट इसका यूज है, जब हम लैपटॉप खोलेंगे तो आपको दिखाएंगे कि इसमें 2 स्लॉट हैं और 1 स्लॉट खाली है, 1 में 8 GB का रैम लगा हुआ है, आप इसको इजिली अपग्रेड कर सकते हैं 16 GB में, जब ओपन करेंगे आपको दिखाएंगे। डिस्क की बात करते हैं, सैमसंग की इसमें हार्ड ड्राइव लगी हुई है 512 GB की, कैपेसिटी आपको मिलती है 477 GB, 477 GB आपको यूजेबल है, बहुत होती है आज की डेट में, आज की डेट में सारा हमारा डाटा क्लाउड पे है तो डाटा की स्टोरेज की हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, अगर आप गेमिंग के लिए लैपटॉप को नहीं ले रहे हैं या वीडियो एडिटिंग के लिए और इन्हीं दोनों काम के लिए ये लैपटॉप नहीं है। वाईफाई करेंगे, वाईफाई आपका अगर राउटर है वाईफाई आपका जो 5 है उसको ये सपोर्ट करता है, ब्लूटूथ भी इसमें 5 है, तो मैं ये कहूंगा कि बहुत अच्छा वाईफाई नहीं दिया, वाईफाई 6 दे सकते थे, अब आजकल सब लैपटॉप में वाईफाई 6 आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपका राउटर 5G है तो आपको स्पीड की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात करेंगे ग्राफिक्स की, USD ग्राफिक्स दे रखा है, ये तो हम परेशान हो गए देख देख के USD ग्राफिक्स, हालांकि इंटेल एरिस ग्राफिक्स देना शुरू किया था लेकिन वो मोस्टली i5 लैपटॉप्स में है, i3 में अभी भी इंटेल अपना USD ग्राफिक्स दे रहा है, मैं आपको बताऊंगा इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक्स नहीं है, देखेंगे शेयर्ड ग्राफिक्स GPU मेमोरी दे रखी है 3.8 GB, तो ग्राफिक्स के लिए आप हमें यही कहूंगा बहुत बेसिक है। दोस्तों देखते हैं लैपटॉप के डिस्प्ले की, 15.6 इंची फुल HD डिस्प्ले आता है 1920x1080 रेजोल्यूशन के साथ, 2 साइड नैरो बेजल है, एंटी ग्लेयर स्क्रीन आती है, अगर हम निट्स की बात करेंगे 250 निट्स आता है और कलर कोडेड की बात करते हैं तो 45% के साथ आपको ये स्क्रीन मिलती है, मेरे हिसाब से इस लैपटॉप में यही स्क्रीन मिलनी चाहिए और ये बेटर है। कैमरे की बात करते हैं, 720p कैमरा है इसके अंदर, डुअल माइक्रोफोन के साथ आपको ये मिलता है। तो चलिए दोस्तों समय आ गया है लैपटॉप का ऑपरेशन करने का, नए लैपटॉप का आपके सामने हमने ब्रांड न्यू लैपटॉप ओपन किया है, अच्छा बॉक्स में से निकाला है और हम उसको ऑपरेशन करेंगे, उसको खोल के आपको दिखाएंगे, ठीक है कि उसमें क्या क्या पार्ट्स कहां कहां लगे हुए हैं। समझ गया, मेरी आपसे यही सजेशन है आप मत खोलने की कोशिश करिएगा, क्यों नहीं, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है, इसीलिए आज के लैपटॉप को ओपन करने के लिए हमारे पास लैपटॉप के टेक्नीशियन है मिस्टर अमित, जो आज का लैपटॉप हमारे लिए खोलेंगे, तो मिस्टर अमित आप हमारे लिए लैपटॉप ओपन करिए। It's not a game, it's a rich game.
हमारा ओपन हो चुका है। देखिए ब्रांड न्यू लैपटॉप है, हमने आपके लिए ओपन कर दिया है। हम इसके पार्ट्स देखते हैं, क्या क्या पार्ट्स कहां कहां लगे हुए हैं। देखिए जैसे जब हम कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे थे, हम आपको बताया था कि इसमें रैम के दो स्लॉट हैं, यहां पे दो स्लॉट हैं, एक 8 GB की रैम लगी हुई है, एक आपका स्लॉट खाली है। आप इसमें अभी 16 GB अपग्रेड कर सकते हैं, आप 8 GB की सिर्फ स्ट्रिप लीजिए, आप इसमें अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे SSD की। यहां पे SSD लगी हुई है 512 GB की SSD, आप इसको भी अपग्रेड कर सकते हैं, आप 1 TB 2 TB तक इसमें आप लगा सकते हैं। यहां पे हम बात करेंगे, हमारा वाईफाई लगा हुआ है, हमने बात की थी वाईफाई की। यहां पे हम बात करते हैं, यहां है हमारा प्रोसेसर जिसको कनेक्ट किया हुआ है फैन से हीट सिंक के थ्रू, क्योंकि फैन प्रोसेसर के ऊपर अगर लगाएंगे तो वो काफी उसकी जो मोटाई है काफी ज्यादा हो जाएगी और लैपटॉप काफी मोटा होगा। लेकिन आजकल बड़ा स्लिम लैपटॉप बन रहे हैं, इसीलिए प्रोसेसर के ऊपर फैन नहीं लगते हैं, साइड में लगते हैं और वो कनेक्टेड होते हैं हीट सिंक से। आगे देखते हैं हम, बैटरी लगी हुई है 3 सेल की बैटरी है 41 वॉट आवर्स की। अगर आप बात करेंगे इसके बैटरी बैकअप की तो अप्रोक्सीमेटली आपको ये 4 से 6 घंटे का बैकअप आपको इजीली दे सकता है। देखिए अभी हमने जो इसमें देखा, हम सिर्फ 2 चीजें इसमें अपग्रेड कर सकते हैं। नॉर्मली हर लैपटॉप में हम रैम या SSD को ही अपग्रेड कर सकते हैं, इसमें हाइब्रिड बनाने के हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हमें SSD अपग्रेड करनी होगी तो जो करंटली SSD लगी हुई है उसको रिमूव करके ही नई SSD लगा सकते हैं, लेकिन हम रैम को जरूर अपग्रेड कर सकते हैं। 8 GB का एक स्लॉट दे रखा है, HP ने बहुत अच्छा कर रखा है, साथ में एक 8 GB खाली है, आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं, इसमें आप और कुछ भी अपग्रेड नहीं कर सकते। तो नए लैपटॉप को ओपन करने के लिए आज हम अपने टेक्नीशियन मिस्टर अमित का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने नए लैपटॉप को बड़े ही आसान तरीके से खोल के हमें दिखाया। दोस्तों बात करते हैं प्राइसिंग की। मार्केट में ये आपको 45 से लेकर 50,000 की रेंज में मिल जाएगा। कुछ स्टोर्स के हमने लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। आप अगर इसकी बात करेंगे वारंटी की, तो HP इसके साथ 1 साल की वारंटी देता है और टाइम टू टाइम आपको वारंटी एक्सटेंशन की ऑफर भी देता है। ये जब आप HP वर्ल्ड पे लेने जाएंगे तो वो वहां पे जो सेल्स पर्सन होगा वो आपको प्रॉपर गाइड कर देगा। इंटेल का प्रोसेसर है, इसमें डेडिकेटेड आपको ग्राफिक्स नहीं मिलता है, तो आप इसमें गेमिंग के लिए और ग्राफिक डिजाइन या एडिटिंग के लिए आप नहीं जा सकते इस लैपटॉप के लिए। अगर आपने बहुत बेसिक एडिटिंग या गेमिंग्स करनी है तो आप इस लैपटॉप को ले सकते हैं, अदरवाइज गेमिंग और एडिटिंग के लिए हमेशा डेडिकेटेड ग्राफिक्स ही यूज में होता है। इस लैपटॉप में क्या क्या अपग्रेड कर सकते हैं ये आपने आपको बताई दिया था जब हमने लैपटॉप आपको ओपन करके दिखाया था, तो अगर आपने वो पार्ट स्किप किया तो आप दोबारा देख सकते हैं, कंप्लीटली इसमें हमने कंप्लीट डिटेल आपको बता दी है। दोस्तों अगर हम कोई पार्ट कवर करना रह गए हैं तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम आप ही की वजह से हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन फ्यूचर में जितने भी लैपटॉप आएंगे, जितने भी कंपनीज नए नए लैपटॉप लॉन्च करेगी, हम सबकी अनबॉक्सिंग करें, सबको फिजिकली भी आपको ओपन करके दिखाएं उसके अंदर कहां क्या पार्ट्स लगे हुए हैं और कौन कौन से पार्ट्स आप अपग्रेड कर सकते हैं, हम ये पूरी कोशिश करेंगे। और अगर कोई भी पार्ट्स रह गया हो, कोई भी आपको लगता हो, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोस के सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लैपटॉप के साथ। धन्यवाद। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।